नमस्कार, मैं आशुतोष आनंद और इस वक्त देख रहे हैं आप एक्सप्रेस न्यूज। अभी हम खड़े हैं नेहरू चौक में, जिसको आप भिकमंगा चौक के तौर पर भी जाने जाते हैं। गोड्डा जिला में यह चौक काफी फेमस है फास्ट फूड के लिए। तो आप देख सकते हैं पिछले कुछ दिनों से जो है, कुछ महीनों से जो है लॉकडाउन लगा हुआ है। लॉकडाउन के चलते जो है यहाँ पर फास्ट फूड की दुकानें लगनी जो है वो बंद हो गई थी, लेकिन फिर से आज जो है जब से घोषणा हुआ है झारखंड सरकार की तरफ से कि लॉकडाउन का जो है आज से नया नियम लागू होगा, दुकानें जो है 8 बजे तक खुलेंगी, तो फास्ट फूड के दुकान जो है यहाँ पर लगना प्रारंभ हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि गोड्डा जिला का शान कहलाने वाला यह चौक, भिकमंगा चौक या फिर आप इसको नेहरू चौक भी कह सकते हैं, तो यहाँ पर जो है लोग जो है वो धीरे धीरे आना शुरू कर चुके हैं। बता दें कि यह जो चौक है ये गोड्डा जिला का शान है, पहचान है, क्योंकि लोग यहाँ पर फास्ट फूड के लिए काफी लोग यहाँ पर आते हैं और अपने शाम में लोग जो है यहाँ पर आकर फास्ट फूड का आनंद लेते हैं। हमारे साथ यहाँ पर फास्ट फूड दुकान लगाने वाले, क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र लहा। अच्छा, कहेंगे इतने दिनों से जो लॉकडाउन था किस तरीके से आपको गुजर बसर करना पड़ा? बहुत हालत खराब था, कमाई धमाई सब खत्म और जो टका लिया उसको भी देने पाया, गाली गुलूच सुने ग्रुप का, क्या करेंगे। अब झारखंड सरकार की ओर से 8 बजे तक दुकानें जो है खोलने का आदेश हुआ, तो क्या कहेंगे आप? आज आदेश दिया तो बढ़िया हुआ, दो टका कमा खाएंगे, क्या करेंगे। तो आदेश दिया 8 बजे तक दो टका कमा खाना पड़ेगा। इससे पहले क्या करते थे? इसके बाद कुछ नहीं, बैठ के था उधर गांव में वो खोले थे साइड में दुकान, वो भी नहीं चलता था, घर से घाटा ही लगता था। साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी दुकानदार हैं लोगों को यहाँ पर घाटा लग रहा था। यहाँ पर और एक भी फास्ट फूड है, इनसे भी जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? उमेश प्रसाद साहब। उमेश जी, ये बताइए कि जिस तरीके से लॉकडाउन रहा पिछले कुछ महीनों से, कितना नुकसान हुआ, किस तरीके से अपना घर परिवार चला रहे थे? बहुत नुकसान हुआ सर। हाँ, बैठ के कर्ज में गिर गए हम लोग, कर्ज लेके खा रहे हैं किसी तरह। इसके बाद 8 बजे सुने तो हम लोग किसी तरह लगा रहे हैं, क्योंकि हम लोग को 4 बजे के बाद ही चलता है, क्योंकि दिन में तो बेच नहीं सकते, चौमिन रोल मंचूरियन वगैरह कुछ भी नहीं बेच सकते। इसके वजह से हम लोग को 8 बजे हुआ तो थोड़ा सा आज राहत मिला है, आगे तो हम लोग बहुत परेशानी से गुजरे हैं। क्या लगता है सरकार का यह फैसला कितना आप लोगों के लिए हेल्प होगा? अभी फिलहाल तो ठीक ही है। हाँ। और आगे बढ़ना चाहिए, कम से कम 10 बजे तक होना चाहिए, तब हम लोग को राहत हो जाए। गरीब आदमी ठेला वाला रेडी वाला कमाता खाता है, इसी से रोजी बसर सबका चल रहा है, इससे बच्चे भी पढ़ रहा है, परिवार भी चल रहा है। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि रोजी रोजगार को लेकर यहाँ पर फुटकर दुकानदारों को जो है वो दिक्कतें हो रही थी। 8 बजे से लेकर 10 बजे तक दुकान खोलने का ये लोग जो है सरकार से गुहार लगा रहा है। कुछ दुकानें और भी हैं, इनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ है। सरकार का इस फैसले से लोग कितने खुश है, इस पर भी हम लोग जानेंगे। तो आगे आइए चलते हैं और भी दुकानदारों से हम लोग बातचीत कर। इतना दिक्कत हो रहा था लॉकडाउन में, क्या कुछ लग रहा था, कैसे घर परिवार चल रहा था? कितना दिन लॉकडाउन के अंदर आप लोग घर में रहे? करीब 2 महीने, 2 महीना कम से कम रह गया है लॉकडाउन। तो किस तरीके से घर परिवार चल रहा? बहुत स्थिति नाजुक से घर परिवार चला है। ये सरकार का जो फैसला आया कि 8 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी, कितना राहत मिलेगा? बहुत राहत आया, सबसे ज्यादा मैं खुश हुआ हूँ कि मेरा धंधा जो है शाम का ही था, और अभी जो 4 घंटा समय बढ़ाया है सरकार, उसके लिए बहुत बड़ा बड़ा धन्यवाद देता हूँ। और मेरा धंधा में थोड़ा सा राहत आया है और उम्मीद है कि बाल बच्चा को जगह मिले। जितना भी हमको नहीं चाहिए मोदी सरकार। ऐसा क्या दिक्कत है जो मोदी सरकार नहीं चाहिए? सबको कल्लू में फेर दिया। सबको कल्लू में फेर दिया। ऐसा क्या हुआ जो कल्लू में फेर दिया, आप कह रहे हैं? नहीं, अपने इतना नहीं बोल सकते। कितना दिन से आप बिजनेस कर रहे हैं और कितना मुश्किल का सामना करना पड़ा? बिजनेस कर रहे हैं 50 साल से फुटपाथ पर। हाँ, 50 साल फुटपाथ पर ही है। 10 साल नौकरी के नाथनगर में, 36 साल यहाँ किए, 46 साल 3 साल किए बंगाल में, एफसीआई गोदाम मोटिया काम। तो अभी किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा लॉकडाउन में? बहुत तंग करता पुलिस। क्या दिक्कतें हो रही थी? पुलिस बहुत दिक्कत करता है, गाड़ी चलाने में, आने में, जाने में, चोरा के जाते हैं। तो आप देख सकते हैं अंग्रेज का राज था पहले, डंडा दिखाता था, खड़ा रहो, अभी पुलिस का राज है, पैसा लेके। तो आप
तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर फुटकर दुकान जो है काफी नाराज है सरकार से कि जिस तरीके से लॉकडाउन रहा, इस लॉकडाउन में इन लोगों को कमाने खाने में जो दिक्कतें हुई, इस चीज से लेकर लोग नाराज थे। महालक्ष्मी आइसक्रीम फालूदा के ओनर के पास अभी हैं, ये लोग जो है राजस्थान से आए हैं। कितना इन लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है ये इनसे भी पूछते हैं। क्या नाम हुआ पहले ये आप ये बताइए। नाम क्या हुआ आपका? सुजल शर्मा। सुजल जी ये बताइए कि कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ा इस लॉकडाउन में। अब दिक्कतों का सामना, दिक्कत तो बहुत हुई ना। अब हमसे भिलवाड़ा जाना पड़ा, हमारे गांव से 60-70 किलोमीटर दूर है, जाना पड़ा। फिर हमें वापस ट्रेन का वेट करना पड़ा, तो वहाँ पर बहुत सारी दिक्कत हुई। तो क्या लगता है इन सारी दिक्कतों के बीच जो अब जो है 8 बजे तक दुकान खोलने का परमिशन मिला है, तो क्या लगता है कि अब आप लोगों की परेशानियां कुछ दूर होंगी? हाँ, अब थोड़ी बहुत खुशी हुई है कि हाँ 8 बजे तक हो गया तो चलेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि 8 बजे बाद ही हमारा चलता है काम, 8 बजे बाद में चलता है। कि क्या लगता है कि ये जो कोरोना महामारी है कितना आप लोगों को इफेक्ट किया है इस कोरोना महामारी में? इस कोरोना महामारी में क्या इफेक्ट किया मतलब कितना प्रभाव डाला बिजनेस पर? प्रभाव तो बहुत डाला था। किस तरीके से घर परिवार चला रहे थे? खेती करके और फिर आज अपने बिजनेस पर लौटे। हाँ। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग जो यहाँ पर फास्ट फूड जो बिक्री कर रहे थे भिकमंगा चौक से, नेहरू चौक से, वो फिर आज अपने दुकान पर वापस आए हैं। और सरकार के इस कार्यकलाप से जो विभिन्न तरीकों से लॉकडाउन सभी राज्यों में लगा है, इस लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे 1-2 करके जो ओपन हो रहा है, इससे जो लोग हैं काफी खुश हैं और सरकार के इस फैसले से लोग काफी खुश हैं। तो आप बने रहे हमारे साथ, ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहे एक्सप्रेस न्यूज।